उधर लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने वोटर्स को साधने की प्लानिंग तैयार की है और इसके लिए बीजेपी पूरे भारत में विशेष अभियान चलाएगी। पार्टी देश भर में नमो नव मतदाता अभियान चलाकर नए मतदाताओं को अपने साथ जोड़ने की तैयारी में है और जेपी नड्डा ने इस अभियान की शुरुआत की। इस डिजिटल अभियान के तहत लोकसभा चुनाव में नए वोटर्स को लुभाने की कोशिश की जाएगी। अभियान के जरिए 1 करोड़ नए मतदाताओं तक पहुंचने का लक्ष्य है। अभियान के तहत बीजेपी देश भर में 50,000 जगहों पर सम्मेलन करेगी। पार्टी की कोशिश है कि इन सम्मेलनों के जरिए 25 जनवरी तक 50 लाख युवाओं को एक साथ जोड़ा जाए। फिर 25 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी उन युवाओं से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात करेंगे। अभियान का शुभारंभ कर रहे जेपी नड्डा ने युवा कार्यकर्ताओं से कहा कि आज की तारीख में पीएम मोदी ने राजनीति की परिभाषा बदल दी, जिसकी वजह से विपक्ष के पास मुद्दे ही नहीं बचे। पॉलिटिक्स का डेफिनेशन बदल दिया है उन्होंने, इसीलिए बेचारे हमारे ऑपोजिशन के लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि इशू क्या उठाए, मुद्दा क्या उठाए। पीएम मोदी की विशाल छवि का फायदा उठाते हुए बीजेपी 18 से 23 साल के युवाओं को टारगेट करने की कोशिश में है। उधर लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने वोटर्स को साधने की प्लानिंग तैयार की है और इसके लिए बीजेपी पूरे भारत में विशेष अभियान चलाएगी। पार्टी देश भर में नमो नव मतदाता अभियान चलाकर नए मतदाताओं को अपने साथ जोड़ने की तैयारी में है और जेपी नड्डा ने इस अभियान की शुरुआत की। इस डिजिटल अभियान के तहत लोकसभा चुनाव में नए वोटर्स को लुभाने की कोशिश की जाएगी। अभियान के जरिए 1 करोड़ नए मतदाताओं तक पहुंचने का लक्ष्य है। अभियान के तहत बीजेपी देश भर में 50,000 जगहों पर सम्मेलन करेगी। पार्टी की कोशिश है कि इन सम्मेलनों के जरिए 25 जनवरी तक 50 लाख युवाओं को एक साथ जोड़ा जाए। फिर 25 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी उन युवाओं से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात करेंगे। अभियान का शुभारंभ कर रहे जेपी नड्डा ने युवा कार्यकर्ताओं से कहा कि आज की तारीख में पीएम मोदी ने राजनीति की परिभाषा बदल दी, जिसकी वजह से विपक्ष के पास मुद्दे ही नहीं बचे। पॉलिटिक्स का डेफिनेशन बदल दिया है उन्होंने, इसीलिए बेचारे हमारे ऑपोजिशन के लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि इशू क्या उठाए, मुद्दा क्या उठाए। पीएम मोदी की विशाल छवि का फायदा उठाते हुए बीजेपी 18 से 23 साल के युवाओं को टारगेट करने की कोशिश में है।